आप किस आधार पर किसी चीज या व्यक्ति को उपयोगी मानते हैं? एक विद्वान ने इसका बड़ा ही दिलचस्प दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार कोई तभी उपयोगी हो सकता है जब कोई उपयोगी नहीं हो, अथवा जब तक कोई तुच्छ ना हो तब तक कोई बेहतर या उपयोगी नहीं कहा जा सकता। अगर सभी तुच्छ चीजों को निकाल दिया जाए तो क्या श्रेष्ठ और लाभदायक चीजों का कोई महत्व रहेगा? अगर सोचा जाए तो क्या वाकई किसी को तुच्छ माना जा सकता है? अगर हाँ तो क्या आपने ये कहावत नहीं सुनी, एक आदमी का कचरा दूसरे का खजाना है। तो किस अधिकार से हम किसी के मूल्य को तोले? कितनी बार छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को देखकर हम घबरा चिल्लाकर यह बोल देते हैं कि इसकी सृष्टि ही क्यों हुई। आप माने या ना माने पर हर छोटी सी छोटी जीव का हमारे वातावरण में अपना योगदान है और इन्हीं योगदानों के कारण एक अच्छा संतुलन बना रहता है। मगर मानुषिक लालच और स्वार्थ के कारण इसी वातावरण में एक ऐसा असंतुलन छा चुका है जिसकी भरपाई हम दिन ब दिन अपनी जान से दे रहे हैं। सूखा, आग, नए प्रकार के रोग और स्वास्थ्य संबंधित महामारी, अकाल, सौर भड़काव, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि, उनमें से ऐसे कुछ उदाहरण हैं। इस कारण हमें अपने स्वार्थ और दूसरों के मूल्य जांचने के रवैये को दूर रख हर किसी के महत्व और कुशलता को जानने की कोशिश करनी चाहिए। बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर ने संसार में उन्हीं को चुना जो नीच थे, जिनसे घृणा की जाती थी और जो कुछ भी नहीं थे। परमेश्वर ने इन्हें चुना ताकि संसार जिसे कुछ समझता है वह उन्हें व्यर्थ ठहराए। इसलिए अब से हर किसी के मूल्य को ना ठुकराए, हर किसी के मोल को उत्तम समझ उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।